वेलकम बैक आप सभी लोगों का। मैं आपका स्वागत करता हूं कार न्यूज के सेकंड एपिसोड में। और आज की वीडियो में मैं आपको कार इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ समाचार बताने वाला हूं, कुछ लेटेस्ट न्यूज बताने वाला हूं। जैसे कि वो महिंद्रा थार रॉक्स के बारे में बताऊंगा जो कि 1.3 करोड़ में बिकी है। साथ ही में और भी बहुत सारे समाचार हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो शुरू करते हैं भाई। पहली जो न्यूज है वो आती है स्कोडा की तरफ से। तो जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया में आजकल SUVs का काफी ट्रेंड चल रहा है। कंपनी जो है SUV के नाम पे बस उठी हुई हैचबैक्स बेचती हैं। तो उन्हीं उठी हुई हैचबैक्स या फिर नाम की SUVs में एक नई गाड़ी शामिल होने वाली है जो कि है स्कोडा की आने वाली काइलैक, जो कि एक सब 4 मीटर SUV रहने वाली है या फिर उठी हुई हैचबैक रहने वाली है, जो कि अर्ली 2025 में सेल में जाएगी। और इसको जो कंपटीशन इंडिया में रहने वाला है वो रहने वाला है मारुति की ब्रेजा से, टाटा की नेक्सॉन से, महिंद्रा XUV 300 से, हुंडई की वेन्यू से और किया की सोनेट से। तो देखते हैं कि ये जो गाड़ी है ये इंडिया के अंदर कैसा परफॉर्म करती है। बाकी अगली खबर की बात करें तो अगली जो खबर है वो आती है टाटा की तरफ से। तो टाटा ने जो है अपनी नेक्सॉन में CNG वेरिएंट लॉन्च कर दिए हैं। अभी तक टाटा की एल्ट्रोज में, पंच में, टियागो में, टिगोर में, इन सब में CNG आता था। अब टाटा ने जो है नेक्सॉन में भी CNG वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए हैं। और इसी के साथ जो टाटा नेक्सॉन है वो इंडिया की पहली ऐसी गाड़ी बन चुकी है जिसमें CNG के साथ हमें टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। और साथ ही में ये जो है इंडिया की पहली ऐसी गाड़ी बन चुकी है जिसमें जो किसी CNG व्हीकल में जो है पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन मिल रहा है। तो सही है भाई, काफ़ी बढ़िया बात है। अगर आपको भी नेक्सॉन CNG में लेनी है आप जाके ले सकते हो। अगली खबर की तरफ बढ़े तो भाई वो भी आती है टाटा की तरफ से और वो है उनकी नेक्सॉन EV के बारे में। तो टाटा ने जो है अपनी नेक्सॉन EV को थोड़ा सा अपडेट कर दिया है, थोड़े बहुत उसमें चेंजेस कर दिए हैं। उसकी जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं और साथ ही में उसमें जो है एक नया एडिशन इंट्रोड्यूस किया है जो कि है रेड डार्क एडिशन, जिसमें क्या होता है भाई ये जो है नॉर्मल डार्क एडिशन के जैसा ही रहता है ऑलमोस्ट, बस इसमें थोड़े बहुत जो है रेड कलर के एलिमेंट्स मिल जाते हैं पूरी गाड़ी में। अगला जो समाचार है वो आता है भाई MG की तरफ से। तो जैसे कि आपको पता होगा कि MG वाले जो है अपनी गाड़ियों में अलग अलग एडिशन लॉन्च करते रहते हैं। MG वाले क्या हर एक कंपनी ऐसा करती है, अपनी गाड़ियों में जो है अलग अलग एडिशन लॉन्च करती रहती है। तो अभी MG ने जो है अपनी हेक्टर और हेक्टर प्लस में स्नोस्टॉर्म एडिशन लॉन्च कर दिए हैं जो कि ग्लोस्टर में पहले से आता है, अब हेक्टर और हेक्टर प्लस में भी आ गया है, जिसमें गाड़ी व्हाइट कलर की होती है और थोड़े बहुत अलग चेंजेस होते हैं। साथ ही में जो इनकी एस्टर है उसमें ब्लैकस्ट्रॉम एडिशन लॉन्च कर दिया है जिसमें गाड़ी पूरी ब्लैक होती है और अलग अलग एलिमेंट्स वगैरह चेंजेस होते हैं थोड़े बहुत। और ये जो दोनों गाड़ियों में जो एडिशन है ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल रहने वाले हैं। तो अगर आपको जाके खरीदनी है तो आप फटाफट से जाके खरीद लो भाई। अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है भाई महिंद्रा की तरफ से। तो जैसे कि महिंद्रा ने अपनी थार रॉक्स को 15 अगस्त 2024 को लॉन्च कर दिया था, लेकिन उस टाइम पे जो है सिर्फ 4x2 वाले जो वेरिएंट्स थे वही लॉन्च किए गए थे, 4x4 वाले नहीं लॉन्च किए गए थे। तो अब जो है महिंद्रा ने अपनी थार रॉक्स के 4x4 वाले वेरिएंट्स भी लॉन्च कर दिए हैं। और ये जो 4x4 वाले जो वेरिएंट्स हैं वो आपको सिर्फ डीजल इंजन में मिलने वाले हैं, पेट्रोल इंजन के साथ महिंद्रा ने 4-व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं भाई, अगली जो न्यूज़ है वो आती है मारुति की तरफ से। तो जैसे कि मारुति ने जो है अपनी स्विफ्ट का 2024 वाला फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है, तो डिज़ायर का भी जो है 2024 वाला फेसलिफ्ट जल्द ही लॉन्च होने वाला है। और इसको भाई सिर्फ फेसलिफ्ट नहीं कहेंगे, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस करने वाले हैं मारुति वाले, इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, सब में काफ़ी चेंजेस होंगे। और इसमें जो है एक नया इंजन भी इंट्रोड्यूस होने वाला है जो कि है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर Z सीरीज इंजन जो कि 2024 वाली स्विफ्ट से लिया जाएगा। उसके बाद जो इसका स्टार्टिंग प्राइस है वो एक्सपेक्टेड है अराउंड 6.70 लाख रुपीज़ एक्सशोरूम इंडिया से। आगे बढ़ते हैं, अगली जो खबर है वो आती है होंडा की तरफ से। तो वैसे तो होंडा जो है वो इंडिया में इतना कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रही, थोड़ी पिटी सी पड़ी है, फिर भी जो है होंडा की जो एलिवेट है उसमें होंडा वालों ने एक नया एपेक्स एडिशन लॉन्च किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी इसका काफ़ी पता नहीं क्या शौक सा चढ़ा रहता है अपनी गाड़ियों में अलग अलग स्पेशल एडिशन लॉन्च करने का, आजकल ट्रेंड सा बन गया है। तो ऐसे ही होंडा वालों ने जो है अपनी एलिवेट में एक नया एपेक्स एडिशन लॉन्च किया है जो कि इस गाड़ी के जो मिड स्पेक वाले जो वेरियंट्स हैं उनमें अवेलेबल रहेगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगली जो खबर है वो आती है हुंडई की तरफ से। तो हुंडई की जो क्रेटा और जो हुंडई की अल्काज़ार है उनमें जो है एक बार एक एडवेंचर एडिशन लॉन्च किया गया था जो कि अब तो नहीं आता। अब जो है हुंडई की जो वेन्यू है उसमें हुंडई वालों ने एडवेंचर एडिशन लॉन्च कर दिया है, जिसमें क्या होता है कि बेसिकली जो गाड़ी है उसमें एक नया कलर मिल जाते हैं, अलग कलर के ऑप्शन, थोड़े बहुत नए फीचर्स और नए एडऑन्स भी डाल दिए जाते हैं। उसके बाद एक्सटीरियर में जो है कुछ रगेड डिज़ाइन एलिमेंट डाल दिए जाते हैं जिससे गाड़ी की जो ओवरऑल लुक है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। तो ये जो एडवेंचर एडिशन है वो वेन्यू में आ चुका है, तो अगर आपको लेना है तो आप जाके ले सकते हो। अगली जो खबर है वो भी आती है MG की तरफ से।
तो भाई जैसे कि MG जो है आजकल इंडिया में काफ़ी एक्टिव चल रहे हैं, वो अलग अलग गाड़ियों को लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च करी थी जिसमें आपको बैटरी के पैसे अलग से देने पड़ेंगे। तो अभी MG ने जो है अनाउंस किया है कि वो जो है अपने शोरूम्स की एक नई चेन को लॉन्च करने वाले हैं उनकी आने वाली प्रीमियम गाड़ियों के लिए, जो कि पहले जो है इंडिया की 12 मेजर सिटीज़ में बनाए जाएंगे, उसके बाद आने वाले टाइम में जो है और भी बनेंगे। साथ ही में ये जो नए शोरूम्स बनाने वाले हैं इनमें जो है MG की आने वाली नई प्लग इन गाड़ियाँ और नई हाइब्रिड गाड़ियाँ होंगी, और ये जो शोरूम रहने वाले हैं नए इनका नाम रहने वाला है MG सेलेक्ट। जैसे भाई मारुति के केस में है, मारुति की जो थोड़ी प्रीमियम गाड़ियाँ होती हैं वो नेक्सा में मिलती हैं और जो नॉर्मल होती हैं वो नॉर्मल मारुति के शोरूम में मिलती हैं, तो वैसे ही अब ये जो है MG वाले भी करने वाले हैं। आखिरी खबर की बात करें तो भाई आखिरी जो खबर है जिसका आप सभी को इंतज़ार था बेसब्री से, वो आती है महिंद्रा की तरफ से। महिंद्रा थार जो कि 1.31 करोड़ में बिकी है। तो भाई मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो भाई जैसे कि महिंद्रा थार रॉक से लॉन्च हो चुकी है और इसकी जो अभी तक कोई भी डिलीवरी नहीं मिली है किसी को भी, तो ये जो पहली जो इसकी कस्टमर यूनिट होने वाली थी, जो पहली जो डिलीवरी जिसको मिलने वाली थी, तो उसके लिए महिंद्रा ने ऑक्शन करवाया था और वो जो ऑक्शन है वो हाईएस्ट जो बिड थी वो 1.31 करोड़ तक गई थी। और भाई ये जो गाड़ी है वो जो थार रॉक्स का वेरिएंट है वो इसका AX7L वेरिएंट डीजल ऑटोमेटिक 4-व्हील ड्राइव में, और इसमें जो स्पेशल चीज़ है वो ये है कि इसमें हमें एक VIN 0001 का बैज मिलता है, साथ ही में आनंद महिंद्रा का सिग्नेचर भी मिलता है। और इस जो बिड से पैसे जो कमाए गए हैं वो किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट कर दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और भाई इसी के साथ जो है आज के समाचार ख़त्म होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।